डेडिकेटेड फ्रीड कॉरिडोर प्रोजेक्ट अर्ली 2000s में भारत सरकार द्वारा प्लान किया गया था एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके कंप्लीट होने का इंतजार हम सभी भारतीयों को था। और अब आनंद का विषय ये है कि अब ये हो गया है कुछ दिनों पहले ही। DFCC या डेडिकेटेड फ्रीड कॉरिडोर कॉरपोरेशन ने न्यू कथौली से न्यू पिलखानी सेक्शन पर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव ट्रायल को सक्सेसफुली कंडक्ट कर लिया है, जो कि ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीड कॉरिडोर के 94 किलोमीटर लंबे सेक्शन का एक भाग है, जो कि इसके फाइनल अलाइनमेंट का एक हिस्सा था। और अब 1337 किलोमीटर लंबा EDFC भारत जैसे देश के अंदर एक एक्सक्लूसिव गुड्स कॉरिडोर की तरह रेडी हो गया है पूरी तरीके से। यानी प्लान किए गए दो फ्रीड कॉरिडोर में से एक ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीड कॉरिडोर का सेक्शन रेडी हो गया है। बिहार के सोननगर से पंजाब के लुधियाना तक का एंड रूट अब कंप्लीट हो गया है। इंडिया दुनिया का एक मैन्युफैक्चरिंग हब है, जो कि कई क्रूशियल मिनरल्स का भी घर है। इसलिए इंडियन रेलवे ने फ्री ट्रेन के चलन को देखते हुए फ्रीड ट्रेन में जहाँ पे स्टील कंटेनर्स, सीमेंट, कोल, ऑयल, फूड ग्रेन जैसी सीधे गुड्स ट्रांसपोर्ट हम करते थे। पर 1990s में ये स्थिति बहुत गंभीर हो गई थी, क्योंकि फ्रीड ट्रेन और पैसेंजर ट्रेन एक ही रूट पर रन होने की वजह से कई एक्सीडेंट्स होने लगे, जिसके बाद में फ्रीड ट्रेन की स्पीड को कम करना पड़ा। फ्रीड ट्रेन की सही रफ्तार पर चलना बहुत जरूरी था, जिसकी वजह से देश का सप्लाई चेन सही तरीके से चलते रहे। इसलिए इस समस्या को निपटाने के लिए DFC या डेडिकेटेड फ्रीड कॉरिडोर का विकल्प सामने आया। DFC के लिए चुनी गई हाई डेंसिटी कॉरिडोर्स की पहली मांग 10th 5-year प्लान 2002 से लेकर 2007 के बीच में रखी गई थी। यह DFC का मकसद था कि वे एडिशनल रेन ट्रांसपोर्ट कैपेसिटी बनाए, ऑपरेशन की एफिशिएंसी को सुधारे, ऑपरेशन के खर्चे को कम करें और हायर वॉल्यूम्स ऑफ फ्रेट को कैरी करें। यूनियन बजट 2005-2006 में पहली बार गोल्डन क्वाड्रिलेटर के साथ में हाई कैपेसिटी हाई स्पीड डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स के निर्माण की घोषणा की गई। यह शुरुआत में फ्रेट ट्रैफिक और पैसेंजर ट्रैफिक को ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों रूट्स में सेपरेट करने का डिसीजन किया गया। साल 2006 में भारत सरकार की इस योजना पर काम शुरू हुआ और इसके लिए डेडिकेटेड फ्रीड कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया या DFCCIL नाम से एक बॉडी बनी। राइट्स ने इस योजना के लिए प्रिलिमिनरी इंजीनियरिंग कम ट्रैफिक सर्वे जनवरी 2007 में प्रस्तुत किया। रेल मंत्रालय ने 2008 में EDFC के लिए फंडिंग प्रदान करने के लिए वर्ल्ड बैंक से संपर्क किया। मई 2011 में वर्ल्ड बैंक ने लुधियाना से मुगलसराय तक 1183 किलोमीटर लंबे EDFC के हिस्से को फंड करने के लिए सहमति दी और यूनियन कैबिनेट ने ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों कॉरिडोर्स को फरवरी 2008 में मंजूरी दी, जिसके लिए 2013 की डेडलाइन को अनाउंस किया गया। यहाँ ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को भारत में एक 1839 किलोमीटर लंबे ब्रॉड गेज फ्रेट कॉरिडोर के रूप में प्लान किया गया था और ये रेल मार्ग पंजाब के लुधियाना से वेस्ट बंगाल के दांकुनी तक उत्तर प्रदेश के खुर्जा के माध्यम से चलने वाला था। ये कॉरिडोर का पहला 447 किलोमीटर तक का लुधियाना से दादरी खुर्जा सेक्शन भी एक इलेक्ट्रीफाइड सिंगल ट्रैक के साथ चलना था। उसके बाद में बाद का सेक्शन दांकुनी वेस्ट बंगाल तक डबल ट्रैक इलेक्ट्रीफाइड होना था। इसमें ये रेल लाइन इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स में से गुजरने वाली थी। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कुल 6 स्टेट्स को कवर करती है, जिसमें पंजाब 88 किलोमीटर, हरियाणा 72 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश 1076 किलोमीटर, बिहार 236 किलोमीटर, झारखंड 199 किलोमीटर और वेस्ट बंगाल 202 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है। अगर अब इस प्रोजेक्ट के फंडिंग की बात करें तो जैसे मैंने बताया, वर्ल्ड बैंक ने इस प्रोजेक्ट को पहले फंड करने के लिए मान गई थी। वर्ल्ड बैंक से 3 फेजेस में फंड लिए गए। पहला था खुर्जा कानपुर और खुर्जा दादरी सेक्शन अक्टूबर 2011 में, यहाँ पर $975 मिलियन के लोन अग्रीमेंट को साइन किया गया। मई 2019 में इसको क्लोज भी कर दिया गया। कानपुर DDU सेक्शन के लिए दिसंबर 2014 में $1100 मिलियन का लोन लिया गया और अंतिम लोन राशि $660 मिलियन की बन गई। यहाँ पर इसको 2 स्टेज में वापस करके दिसंबर 2020 में क्लोज भी कर दिया गया। खुर्जा लुधियाना सेक्शन के लिए जून 2015 में $650 मिलियन का लोन लिया गया और इसमें से $90 मिलियन 2020 में वापस किए गए। DFC को कंप्लीट करने की डेडलाइन वैसे 2013 की रखी थी, लेकिन दोनों फ्रेट कॉरिडोर का एक्चुअल कंस्ट्रक्शन जो है वो 2013 में शुरू हुआ, लेकिन 2013 के बाद 8-10 सालों में बहुत तेजी से इनका कंस्ट्रक्शन हुआ, जहाँ पर EDFC की लाइन कंप्लीट हो गई है। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में भी वैसे ज्यादा काम बचा नहीं है, जहाँ पर लास्ट सेक्शन महाराष्ट्र के अंदर GNPT तक का कुछ हद तक रेडी है, लेकिन जब वो पूरी तरीके से रेडी हो जाएगा तो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी कंप्लीटली रेडी हो जाएगा। इसके बाद में गवर्नमेंट के इसमें काफी पैसा फ्री बचना शुरू हो जाएगा, जहाँ पर वो सदर्न इंडिया के अंदर 2 कॉरिडोर प्लान कर सकते हैं, जिसकी वजह से गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कंप्लीट हो। एट द सेम टाइम यहाँ पर जो नए बने हुए फ्रीट कॉरिडोर्स है वो ऑलरेडी DFCCIL को इनकम देना शुरू कर चुकी है, जहाँ पर डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन्स, ट्रिपल स्टैक ड्वार्फ कंटेनर ट्रेन्स ये चलना शुरू हो गए हैं, तो ये एक अच्छी बात है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, मुझे बताना कमेंट सेक्शन में और मिलेंगे अगले वीडियो में।